चलिए, बाटा के नतीजे आए लेकिन यहाँ पर बॉटम लाइन थोड़ी कम हुई है। घटा है वैन वे बेसिस में मुनाफा, 44.8 करोड़ से घटकर 35.7 करोड़, और आय में भी ड्रॉप है। इनफैक्ट आय बढ़ी है, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये जो बड़े, उसका असर साफ तौर पे बाटा पे देखने को मिल रहा है नतीजों पे। किरण, क्या करें बाटा पे? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में जो लेदर स्टॉक्स थे वो काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए, और अभी भी सरकार का थ्रस्ट है सेक्टर पे, लेकिन टेक्निकल कॉल लेनी हो बाटा पे तो क्या सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस इस स्टॉक का है? ट्रेंड देखते हैं तो पॉजिटिव है, न्यूज नेगेटिव है, इसलिए हम कॉशियसली बुलिश रहेंगे इस स्टॉक में। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने के लिए वो कहेंगे जिनके पास पहले से ही है। फ्रेश बाय सिर्फ 513 के ऊपर ही करना चाहिए, और 500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वैल्यू रहेगी। 500 के नीचे अगर चलता है तो लॉन्ग पोजिशन अनवाइंड करने चाहिए। पर डेरिवेटिव डेटा पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे बहुत पॉजिटिव आ रहा था, तो 513 के ऊपर अगर चलता है ये स्टॉक तो आपको इजीली 533 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत अहम लेवल्स है 513 और 500। अगर 500 के नीचे चलता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग करनी चाहिए, और अगर 513 के ऊपर चलता है तो फ्रेश बाय करने चाहिए। टारगेट रहेगा 533 का।